स्टडी विद आरती गुप्ता. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल ऑफ जयम करजी दैट इज डिस्ग्रेस. आपको पता है जयम करजी को दो बार बुकर प्राइज मिला है. एक बार मिला था 1983 को अपने वर्क द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के लिए, एंड सेकंड टाइम मिला है 1999 में अपने वर्क डिस्ग्रेस के लिए. ये नोबेल प्राइज विनर भी है. ये नॉवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल पाए. क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास है. आइए स्टार्ट करते हैं. इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है डेविड ल्यूरी. डेविड ल्यूरी जो कि इस टाइम केप टाउन टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कम्युनिकेशन का प्रोफेसर होता है और ये टू टाइम डाइवोर्स भी है. इसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो चुकी है. इसके ऊपर कई तरीके के ब्लेम भी लगाए जा चुके हैं. जब इस नॉवेल की स्टार्टिंग होती है तो ये देखने के लिए मिलता है कि जो डेविड ल्यूरी है ये एक रोजालिन से मिलने जाता है वीकली. रोजालिन यहाँ पे कौन है, एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले कर रही है. और डेविड ल्यूरी इससे मिलने जाता है, इससे बात करता है. जब वहां से वापस आ रहा होता है रोजालिन से मिलने के बाद, तो ये जाता है मेलेनी इजाक से मिलने. मेलेनी इजाक जो कि एक इसकी स्टूडेंट होती है और ये बहुत ही बुरे तरीके से फिजिकली अट्रैक्टिव है मेलेनी इजाक की तरफ. सबसे पहले इसने डेविड ल्यूरी सबसे पहले इसने मेलेनी को एक देखा था गार्डन में. उसके बाद इससे बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो गया और इसने ये डिसाइड किया कि मैं उसको कैसे भी करके सेड्यूस करूंगा. लेकिन इसको सेड्यूस करने के चक्कर में इसकी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं. इसको बहुत इसकी इंसल्ट होती है. इसको उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है. जब ये मेलेनी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है तभी उस टाइम पे मेलेनी का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि डेविड ल्यूरी के उसको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करता है और उसको मेलेनी के अपार्टमेंट से बाहर भगा देता है. जिसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन पे इसकी कंप्लेंट की जाती है. इसके कलीग्स अथॉरिटीज के सामने लेटर लिख के देते हैं कि एग्जैक्टली तुमने क्या किया है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन ये अपने उस चीज के लिए बिल्कुल भी गलती नहीं मानता है और वहां से छोड़ के चला जाता है. अब जब ये यहाँ से छोड़ के चला गया है तो अब डेविड ल्यूरी कहाँ जाए. इसकी जॉब भी छूट चुकी है, इसने इसको अपना घर भी बेचना पड़ा. अब ये कहाँ जाए, तो ये यहाँ से जाता है अपनी डॉटर लूसी के पास. लूसी जो कि इस टाइम पे सलेम एक जगह है वहां पे काम करती है. उसका खुद का फॉर्म है और वहां पे वो काम करती है. और उसके पास एक ब्लैक अफ्रीकन जिसका की नाम होता है पीट्रस, ये इसके पास जॉब कर रहा है. ये पीट्रस ये लूसी के पास जाता है. लूसी के पास कई दिनों तक रहता है लेकिन जब फर्स्ट डे रहता है तो इसको चीजों को समझने में काफी टाइम लग जाता है. उसके बाद नेक्स्ट डे आता है तो लूसी के साथ ये रहने लगता है. पूरे दिन बिजी रहता है, काम करते हैं दोनों लोग. और लूसी के पास यहाँ पे डॉग होता है. एग्जैक्टली इसके पास डॉग शेल्टर होता है. तो एक दिन लूसी और उसके फादर डेविड ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग चलो आज डॉग को बाहर घुमाने ले जाते हैं. जैसे ही वो लोग अपने घर से निकल ही रहे होते हैं कि वहां पे थ्री मैन आ जाते हैं तो ये क्या करती है, लूसी की अपने डॉग को कैनल में बंद कर देती है. और कैनल में बंद करने के बाद वो जो थ्री मैन आते हैं वो लूसी को बोलते हैं कि मुझे आपका फोन चाहिए. तो यहाँ पे लूसी उनको अपना मोबाइल दे देती है. वो लोग बात करने लगते हैं और उसके तुरंत बाद से ही ये क्या करते हैं, तीनों मैन होते हैं वो लूसी को जबरदस्ती घर के अंदर लेके जाते हैं और वो लूसी का बहुत ही बुरी तरीके से रेप करते हैं. और रेप करते हैं उसी टाइम पे डेविड ल्यूरी बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी डॉटर को बचा पाए लेकिन वो अपनी डॉटर को नहीं बचा पाता है. और उन थ्री मैंस में एक मैन होता है वो डेविड ल्यूरी को घर पे बंद कर देता है.
और बाहर से क्या करता है, स्लाइडर बंद कर देता है। और रेप करने के बाद जहां पे डेविड ल्यूरू को बंद किया था वहां पे वो लोग क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं, मतलब आग लगा देते हैं। और डेविड ल्यूरी अंदर ही बंद है। उसके बाद वो लोग वहां से ल्यूरी की कार लेके भाग जाते हैं। अब लूसी जल्दी से बाहर निकलती है, अपने फादर को उस घर से बाहर निकालती है जो पूरी तरीके से जल चुका है। और वहां से निकालने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, अपने फादर को उनका ट्रीटमेंट कराती है। लेकिन वो किसी को ये नहीं बताती है कि एग्जैक्टली उसके साथ भी क्या हुआ है। इतना करने के बाद जब इसके फादर रिकवरी कर लेते हैं, लूसी के फादर, तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी स्टोलन कर ली गई है और क्या क्या हुआ है उनके साथ। लेकिन लूसी अपने फादर को ये मना कर देती है कि आप मेरे रेप के बारे में बिल्कुल भी वहां पे कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे। लूसी यहाँ पे कंप्लेन नहीं करती है। और डे बाय डे लूसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हालत खराब होने से यहाँ पे पर्पज ये है कि वो बहुत ही ज्यादा मेंटली डिप्रेस हो गई है, सप्रेशन में आ गई है, वो ज्यादा बात नहीं करती है। उसके फादर ल्यूरी जब भी कोशिश करते हैं कि उस इंसिडेंट के बारे में, उस इवेंट के बारे में जब किस तरीके से लूसी का रेप हुआ था, तो लूसी उन बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, वो इग्नोर कर देती है या कभी कभी कुछ ऐसा शार्पली आंसर करती है अपने फादर को कि उसके फादर उसके बाद उससे कुछ पूछ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दिन डेविड ल्यूरी को पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी कार मिल गई है, आप आके कार ले जाए। तो ये कार लेने जाता है पुलिस स्टेशन, लेकिन उसको पता चलता है कि वो कार इसकी नहीं है, क्योंकि उस कार का कलर ल्यूरी की कार की कलर से बिल्कुल अलग था और जो नंबर था उसमें वो नंबर भी अलग था। तो ये अपनी कार नहीं लेता है और ये उस वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अब यहाँ पे पता चलता है कि जो पीटरस है, पीटरस वापस आया है। पीटर्स वापस आने के बाद इसने एक पार्टी रखी है। पार्टी रखी है क्योंकि जब ये घटना हुई थी, लूसी का रेप हुआ था, और लूसी के रेप के बाद से ही पीटर्स, जो कि लूसी के फॉर्म हाउस में काम करता था, वो वहां से मिसिंग था। अब वो आया है तो उसने क्या किया, एक लैंड खरीद ली है, इसके पास काफी प्रॉपर्टी है। उस नई लैंड मिलने की वजह से उसने पार्टी रखी है और उस पार्टी में लूसी को इनवाइट किया है और ल्यूरी को भी इनवाइट किया है। ये दोनों लोग पार्टी में जाते हैं जहां पे एक रेपिस्ट भी होता है। वो रेपिस्ट जिसको लूसी ने पहचान लिया है, उसके फादर ल्यूरी ने भी पहचान लिया है, वो रेपिस्ट होता है एग्जैक्टली पॉलिक्स। ये पॉलिक्स एक रेपिस्ट है जो कि पार्टी में होता है और इसको ल्यूरी और लूसी पहचान चुके हैं। और ये पॉलिक्स कौन होता है, पीटरस की वाइफ का भाई होता है। ये इसकी पीटरस की वाइफ का ये भाई होता है पॉलिक्स। अब यहाँ पे इसके फादर ल्यूरी बोल रहे हैं कि अब हम लोग इसकी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। तो यहाँ पे लूसी मना कर देती है कि नहीं, आपको कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो पोलेक्स की कंप्लेन नहीं करने देती। यहाँ पे पोलेक्स होता है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी होता है, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे जब लूसी मना कर देती है तो लूसी को अब ये फोर्स किया जाता है कि वो पोलेक्स से शादी कर ले। लूसी यहाँ पे पोलेक से शादी कर लेती है और इसके फादर को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आती है कि ये शादी करे पोलेक से, लेकिन फिर भी यहाँ पे लूसी शादी कर लेती है। शादी करने का रीजन ये भी होता है कि लूसी यहाँ पे प्रेग्नेंट है, और वो प्रेग्नेंट होने के बाद उसको फोर्स करते हैं उसके फादर कि तुम अबॉर्शन करा दो, लेकिन लूसी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और वो पोलेक से शादी कर लेती है। पोलेक से शादी करने के बाद यहाँ पे ल्यूरी का रिलेशन डेवलप हो चुका था बेबशा। बेबशा जिनका यहाँ पे एनिमल फॉर्म है और वो एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन उनको यूथनेशिया का भी ट्रीटमेंट देते हैं। यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, मतलब जो भी एनिमल्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है वो उनको लेथर का इंजेक्शन देते हैं, और उसके बाद उस एनिमल्स की डेड बॉडी को डिस्पोज करता है डेविड ल्यूरी। तो इस तरीके से डेविड ल्यूरी का रिलेशन डेवलप हो जाता है
रिलेशन डेवलप हो जाता है, इट मींस दैट कि आ फिजिकल रिलेशनशिप, आ रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जबकि ये देखा जाता है कि बेवशा एक बहुत ही ज्यादा फिजिकली ब्यूटीफुल वुमेन नहीं होती है, लेकिन इसका रिलेशन डेवलप हो जाता है। लूसी की शादी के बाद ये वापस, अब इसको यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मन नहीं लगता है, तो ये वापस केप डाउन जा रहा है। केप डाउन जाता है जहाँ पे एग्जैक्टली इसका पहले घर था, ये केप डाउन जाता है, तो इसको पता चलता है कि इसकी एक्स वाइफ इसको बताती है कि एग्जैक्टली मेलेनी के साथ क्या हुआ है। मेलेनी एक स्टेज प्ले परफॉर्म करने वाली है, स्टेज प्ले परफॉर्म करने वाली है, तो ये डेविड सोचता है क्यों ना मैं उससे मिलने चला जाऊं। वो उससे मिलने जाता है तो वहां पे उसको वही बॉयफ्रेंड मिलता है जिसने लास्ट टाइम पे ल्यूरी के साथ बहुत गंदा बिहेव किया था, क्योंकि ल्यूरी मेलेनी को क्या कर रहा था, सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, और इस तरीके से उसका बॉयफ्रेंड फिर से डेविड ल्यूरी को यहाँ से भगा देता है। भगाने के बाद ये सोचता है मुझे किसी तरीके से ना इस चीज का पछतावा करना है कि मैंने जो लास्ट टाइम पे मेलेनी के साथ गलत काम किया था, मैं उसके लिए कैसे रिपेंट करूं। तो वो सोचता है कि मैं मेलेनी के फादर से जाके मिलूं, लेकिन वो फादर से मिलने जाता है तो उसकी सिस्टर मिलती है घर पे, मेलेनी की सिस्टर। तो मेलेनी की सिस्टर को देख के उसको फिर से एक बार फिजिकली सिड्यूस करने की कोशिश और लस्ट की सारी फीलिंग्स फिर से जनरेट हो जाती हैं, लेकिन वो फिर से कंट्रोल करता है और वो एग्जैक्टली उनके फादर से मिलने जाता है जहाँ पे उनके फादर की जॉब थी, वहां पे जाके मिलता है। तो मिस्टर इजाक वो बोलते हैं वहां पे कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, इससे अच्छा है कि तुम्हें खुद से पश्चाताप करना चाहिए, तुम्हें रिडेम्पशन करना चाहिए अपने आप से ही, तो मुझसे माफी मत मांगो। तो वो यहाँ पे वापस आता है और वहां पे इसका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब ये क्या करे, इसके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो ये वापस चला जाता है फिर से लूसी के फॉर्म हाउस पे। लूसी के फॉर्म हाउस पे जाने के बाद अब ये वहां पे बेवशा से मिलता है, बेवशा जिसके साथ उसका फिजिकली रिलेशन होता है, ये बेवशा से जाके मिलता है वहां पे, और वहां पे मिलने के बाद लूसी की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है, और अब ये पूरी तरीके से बेवशा के ही फॉर्म हाउस में रहने लगता है, और बेवशा के उसी बिजनेस में उसी काम करने में उसकी हेल्प करता है और बॉडी डिस्पोज करने की कोशिश करता है। और इस तरीके से यहाँ पे ये नॉवेल खत्म हो जाती है कि एंड में किस तरीके से डेविड ल्यूरी अपने आप को बेवशा के हवाले कर देता है, क्योंकि अब उसकी जो एक सिंगल डॉटर ल्यूरी होती लूसी होती है वो भी उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहती। तो देखिए किस तरीके से डेविड ल्यूरी का यहाँ पे फ्यूचर दिखाया गया है, सिर्फ उसकी लस्ट और सेडक्शन की फीलिंग्स की वजह से उसकी क्या कंडीशन होती है, उसको किसी की भी ग्रेस नहीं मिलती, इवन अपनी डॉटर लूसी की भी ग्रेस नहीं मिलती, उसको मिस्टर इजाक जो कि मेलेनी इजाक से फादर होते हैं उनकी भी ग्रेस नहीं मिलती, उसकी वाइफ यहाँ पे मैंने बोला रोजालिन, रोजालिन यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट नहीं, जबकि रोजालिन इसकी एक्स वाइफ होती है, यहाँ पे इसकी एक्स वाइफ होती है, और जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसका नाम होता है सोर्या, ये इसकी ये प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले करती है यहाँ पे, प्रोस्टिट्यूट मैं पी लिख देती हूँ, ये रोजालिन इसकी एक्स वाइफ होती है। तो इसको किस तरीके से कितनी गलत गलत चीजों में इन्वॉल्व रहता है और किस तरीके से इसकी क्या हालत होती है, तो आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं इनका एक और नॉवेल डिस्कस करूंगी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, उसके बाद में डिसग्रेस और उस नॉवेल दोनों के एक साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आपको जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच।